दोस्तों, आज की इस क्लास में हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में इस कोलमनर के फीचर्स का यूज करना सीखेंगे। तो दोस्तों, ये कोलमनर का जो ऑप्शन है ये कोई नया अपडेट नहीं है, ये आपका जो टेली सॉफ्टवेयर का पुराना वर्जन था ERP 9 उसके अंदर भी अवेलेबल था, और जो प्रेजेंट टाइम में टेली प्राइम सॉफ्टवेयर चल रहा है उसके अंदर भी अवेलेबल है। ये आपको कोई अलग से एड ऑन या TDL यूज करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं भी इस कोलमनर के फीचर्स का यूज किस लिए किया जाता है। तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स है ये टेली सॉफ्टवेयर में। इसका यूज हम किसी भी रिपोर्ट्स को प्रोफेशनल तरीके से अगर हम देखना चाहें तब हम इसका कोलमनर का यूज करते हैं। तो दोस्तों, जो कंपनी लोग, बड़ी बड़ी कंपनी होती है उनमें जो अकाउंटेंट लोग होते हैं वो इस फीचर्स का यूज करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम वो सारी बातें आपके साथ प्रैक्टिकल शेयर करने वाले हैं कि इसका यूज हम हमारी कंपनी में रिपोर्ट को देखने के लिए किस प्रकार से यूज कर सकते हैं, इसको ओपन करने से हमें क्या क्या बेनिफिट होती है और हमारी रिपोर्ट किस प्रकार से दिखती है। तो आपको सारी बातें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी, बस इसके लिए वीडियो को आपको एंड तक देखना पड़ेगा। इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, अदरवाइज आप बहुत कुछ इसमें से मिस भी कर दोगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहन सुथार और स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन भी है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी आप जरूर हिट कर लेना, क्योंकि आगे भी आपको इस चैनल पर टेली प्राइम सॉफ्टवेयर से रिलेटेड नई नई वीडियो लगातार मिलती रहेगी। और आज की वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोलमनर का जो फीचर्स है ये हमें कहाँ कहाँ पर शो होगा। तो दोस्तों, ये हर जगह हमारे सामने ये अवेलेबल नहीं होगा। अगर हम चाहें भी हम वाउचर की एंट्री करें तो ये हमारे सामने कोलमनर का फीचर्स आपको यहाँ पर शॉर्टकट में कहीं नहीं दिखाई देगा। ये आपको केवल हम किसी प्रकार की रिपोर्ट अगर देखनी हो केवल उसी वक्त ये हमारे सामने अवेलेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल, हम डे बुक को ओपन करते हैं और मैंने पूरा डाटा ओपन कर लिया। अब इसके अंदर मान लीजिए मैंने कोई भी सेल वाउचर, परचेज वाउचर, कोई भी आप इसके अंदर वाउचर को, रजिस्टर को सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने F4 करके सेल वाउचर को यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। तो जैसे मैंने किसी एक पर्टिकुलर वाउचर को सिलेक्ट कर लिया, यानी कि किसी एक वाउचर रजिस्टर को सिलेक्ट कर लिया, तब आपके सामने ये कोलमनर का फीचर है जो हाईलाइट हो जाएगा, जिसकी शॉर्टकट F8 है। अब हम बात करते हैं इसका यूज का। डे बुक वापिस ओपन करते हैं, सेल को हम वापस ओपन कर लेते हैं। अब दोस्तों, जैसे हम कोलमनर का फीचर का हम यूज करेंगे तो इसके अंदर आपके सामने दो ऑप्शन आ जाएंगे, कोलमनर के, तो कोलमनर का और एक एक्सटेक्ट का। तो हम कोलमनर क्लिक करेंगे तो जैसे हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने काफी सारे फीचर्स ऑप्शन और खुल जाएंगे फॉर सेल के लिए। यानी कि इसके अंदर आप बायर का नाम साथ में देखना चाहते हो, बायर का एड्रेस, बायर का कंसाइनी नेम, उसके बाद में कंसाइनी का एड्रेस, वाउचर टाइप, यानी कि इस तरीके से पूरा बायोडाटा आपके सामने आ जाएगा। तो अब फॉर एग्जाम्पल हमने सभी वाउचर को एक बार है जो यस कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं इसकी रिपोर्ट हमारी किस प्रकार से दिखती है। और इसके बाद हमने एंड ऑफ लिस्ट पे करते हुए इसको एक्सेप्ट कर दिया। तो जैसे हमने एक्सेप्ट कर दिया तो अब जो हमने सेल वाउचर को देखा था, पहले हमारे सामने जो सेल वाउचर थी कुछ इस तरीके से आ रही थी। तो इसके अंदर क्या था, केवल हमारे पास में इस साइड में डेट और उसके अंदर पर्टिकुलर जिस कस्टमर को सेल किया हुआ है, वाउचर टाइप का, वाउचर नंबर और अमाउंट, ठीक है। और अब हम जैसे कोलमनर को इसको हाईलाइट किया, अब वो रिपोर्ट हमारे सामने कुछ इस तरीके से एक्सट्रैक्ट हो जाएगी, यानी कि पूरा डाटा इसका एक्सट्रैक्ट हो जाएगा हमारे सामने। अब इसके अंदर आप देख सकते हो काफी सारा रिपोर्ट और ज्यादा एक्सट्रैक्ट होगी, डेट भी आ गई, पर्टिकुलर भी आ गया, उसके बाद में बायर का नेम, और अगर बायर का एड्रेस अगर हमने कस्टमर लेजर क्रिएट करते वक्त दिया होगा तो हमारे सामने वो भी यहाँ पर शो करेगा। उसके बाद में कंसाइनी, अगर हमारा बायर अलग है, कंसाइनी अलग है, तो उसका नाम भी हमारे सामने दिखाई देगा, कंसाइनी का एड्रेस भी हमें को यहाँ पर दिखाई देगा। इसके साथ साथ आपका वाउचर नंबर, और आगे हम जाएंगे तो ये सारी की सारी डिटेल, वाउचर का रेफरेंस नंबर, GST नंबर, सेल टैक्स नंबर, सर्विस टैक्स नंबर, पैन नंबर, और इस तरीके से अगर हमने कोई नरेशन के अंदर कोई स्पेशल नाम दिया हुआ है तो वो नाम भी हमारे को यहाँ पर दिखाई देगा। और उसके बाद में आगे हम चलते हैं तो उसके बाद के अंदर ये क्वांटिटी की डिटेल भी आएगी, भी आपने इस कस्टमर को कितनी क्वांटिटी सेल करी है, पर क्वांटिटी का रेट क्या था, कितनी इसकी वैल्यू बन गई, ग्रोस टोटल आपका कितना है, उसके अंदर CGST कितने परसेंट की आपने सेल करी हुई है, उसमें CGST की वैल्यू कितनी है, HST टैक्स की वैल्यू कितनी है, और इसके अलावा अगर आपने अलग अलग और परसेंटेजेस के साथ में सेल करी हुई है तो उसकी वैल्यू भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा। यानी कि ये सारी रिपोर्ट हमारे सामने खुल के आ चुकी है। अब हम लेते हैं पर्टिकुलर किसी एक लेजर को,
मैंने एक लेजर को ओपन कर लिया, मान लीजिए मैंने सोन सिंह के लेजर को ओपन कर लिया, पूरा डाटा ओपन कर लिया। अब इसके अंदर देखो तो नॉर्मल तरीके से जैसे हमारा कितना डेबिट है कितना क्रेडिट है उसी तरीके से दिखाई देगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर भी कॉलमनर का यूज करें, अगर हम आप इसको कुछ भी कर सकते हो, कॉलमनर इसमें यूज आपने कर लिया और ये सारा डाटा आपने इसको यस कर दिया एक बार, वैसे तो आपको जिस जिसकी जरूरत है वो इसको यस कर सकते हो, अदरवाइज आप इनको नो भी कर सकते हो। जो नो करोगे उसका रिपोर्ट नहीं आएगा। अब इसको जैसे हमने यस किया तो इसका सारा का सारा डाटा हमारे सामने आ चुका है। अब इसके अंदर आप देख सकते हो उसका बायर का नाम, वो तो हमें पहले भी दिखाई दे रहा था, लेकिन इसके साथ साथ हमारे पास इसके अंदर हमने क्या क्या, कौन से इनवॉइस के अंदर इसको कितनी क्वांटिटी बेची है, पर पीस का रेट क्या था, कितनी इसकी वैल्यू है, टोटल वैल्यू कितनी बन गई, 12% की सेल इसके अंदर कितनी है, CGST कितना है, SGST कितना है, वो सारी वैल्यू। जैसे ये इनवॉइस है, इस इनवॉइस के अंदर हमारे सामने इसकी इसको दो तरीके की सेल करी गई, एक GST 12% की सेल है 1000 रुपये की, और एक इसके अंदर हमने 1900 रुपये की 18% की भी सेल करी हुई है, इस इनवॉइस के अंदर भी है और इस इनवॉइस के अंदर भी है। तो यानी कि इस तरीके से पूरा का पूरा डाटा इसका एक्सट्रैक्ट हो चुके हैं। अब हम चाहते हैं इसके अंदर स्टॉक आइटम का नाम भी साथ में दिखाई दे, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, Alt F1 करेंगे। तो जैसे हम Alt F1 करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे इसके अंदर जो स्टॉक हमने इनको सेल करी है वो स्टॉक आइटम का नाम पर्टिकुलर में साथ दिखाई देगा और उसकी क्वांटिटी भी आपको यहाँ पर दिखाई देगी। यहाँ से आप देख सकते हो उसकी क्वांटिटी, यानी कि एक पीस और तीन पीस, टोटल चार पीस है, तो ये एक पीस अलग भी है मतलब स्टॉक आइटम का है और 3 पीस है किसी अदर स्टॉक आइटम का है और उसी का आगे इसका टोटल रेट है। तो ये इसका सारा बायोडाटा इसके तरीके एक्सट्रैक्ट होकर आ जाएगा। अगर हम इसको एक्सेल के अंदर एक्सपोर्ट करना चाहें तो हमारे सामने एक्सपोर्ट का ऑप्शन भी आ जाता है, यहाँ पर हम इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। एक्सपोर्ट कर दिया और उसके बाद में अगर आपके सामने यहाँ पे फाइल फॉर्मेट एक्सेल आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता तो यहाँ से आप कॉन्फिगर भी कर सकते हो, कॉन्फिगर कर सकते हो या अदरवाइज यहाँ से आप इसका फाइल फॉर्मेट भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएंगे, आप इसको PDF के अंदर ले सकते हो, एक्सेल में ले सकते हो, JPG के अंदर ले सकते हो, तो वो सारी रिपोर्ट आप यहाँ से फाइल फॉर्मेट है जो सिलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे मैंने इसको एक्सपोर्ट किया तो ये हमारा एक्सेल के अंदर एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। पर एक्सेल में एक्सपोर्ट होने के बाद हम एक्सेल के अंदर इसको और ज़्यादा मॉडिफाई करना चाहें, जो एक्स्ट्रा कॉलम हमारे सामने है अगर उनको हम यहाँ से हटाना चाहें, जैसे मान लीजिए हमको ये वाउचर नहीं चाहिए, ये हमारे ब्लैंक है, तो वैसे तो आप टैली सॉफ्टवेयर से भी इनको नो करके आ सकते हो तो ये ऑप्शन आपको नहीं दिखाई देंगे। अगर आपने यस कर रखा है और उसके बाद यहाँ से आप चाहो तो उसको डिलीट कर सकते हो, जो जो ऑप्शन आपको नहीं चाहिए वो आप यहाँ से डिलीट करके और अपने कस्टमर को इसको सेंड भी कर सकते हो, ताकि उसको पूरा का पूरा बायोडाटा मिलान करने के अंदर कोई ज़्यादा दिक्कत ना आए। तो दोस्तों ये ऑप्शन आपको किस प्रकार का लगा, कितना यूजफुल है अकाउंटेंट के लिए, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो भी ज़रूर कर लेना।